हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ। वैसे आपके ACF के सिलेबस में ये केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या हिंदी में लिखा हुआ है रासायनिक साम्य गतिक प्रकृति। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनोगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बट उसके पहले आप सेटिस्फाई हो जाए कि आखिर ये पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है। कैसे सेटिस्फाई होंगे तो देखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन ACF में पूछा हुआ है 2016 में, और भी देखाता हूं मैं आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ACF में ही 2016 में। ये और भी एक क्वेश्चन है, ACF का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। मतलब 2016 में केमिकल इक्विलिब्रियम से तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखिए, मेरे पास 2017 का भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक 2017 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 2017 का है। इसका मतलब एवरेज यदि देखा जाए तो एक साल में तीन क्वेश्चन और 2017 में दो क्वेश्चन आए हैं। मतलब 2020 में भी कम से कम इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखने वाले हैं, और दो क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको दो से तीन वीडियो देखना होगा। तो सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे सॉल्व करने वाले हैं, बट उसको सॉल्व करने के लिए हमें तो कुछ कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट्स, इस इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग है बैलेंस। अब ये बैलेंस क्यों कहा है ये मैं आपको बताने वाला हूं एक एग्जांपल के हेल्प से। लेकिन बैलेंस का सिंपल यदि आप हिंदी में बोले तो संतुलन। क्या कहते हैं? संतुलन। वैसे आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे हम किसी तराजू में 1 kg सपोज आलू खरीद रहे हैं, तो उसके दोनों पक्ष, दोनों पल्ले इक्वल होंगे। एक तरफ 1 kg का बाट होगा तो एक तरफ 1 kg आलू होगा, तो ये संतुलन हो गया। उस स्थिति पे हम तराजू को क्या बोलने वाले हैं? एक बैलेंस सिचुएशन आ गई। उसी प्रकार हम यहां पर अब तराजू की बात तो नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। तो कोई केमिकल रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम हो गया, कब उसको बैलेंस कर सकते हैं, यही बात हम अभी सीखने वाले हैं। बट अभी स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम की थोड़ी एक्स्ट्रा बातों को लेकर, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि आखिर इसे गतिक प्रकृति या डायनेमिक नेचर क्यों कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन? एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और इन दोनों में यदि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए तो फिर आप क्या कहने वाले हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने कौन सी कैटेगरी में लिख रखा है? डायनेमिक प्रकृति के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए कि स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। आप इस टॉपिक को ना याद नहीं करोगे, फील करोगे, महसूस करोगे और समझोगे, ठीक है? याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में सपोज एक बॉडी है, ठीक है? इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई किया और एक फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई किया। ये सपोज है F1 फोर्स और ये है F2 फोर्स, ठीक है? और यदि मैं कहता हूं कि दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स, मतलब F2 और F1, यदि ये दोनों सेम है तो डेफिनेटली ये बॉडी किस कंडीशन पे होगा बताइए? रेस्ट कंडीशन पे होगा, रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल है, दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड है। तो इसे मैंने क्या बोल दिया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह दिया, कि ये रखा हुआ है, कुछ भी इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और क्लियरली समझ में आएगा यदि मैं आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूं, बड़ा आनंद आएगा, आप ध्यान से सुने। मेरे पास में सपोज एक कंटेनर है, ठीक है? और इस कंटेनर में मैंने इस लेवल तक पानी भर के रखा है, भर दिया पानी, ठीक है? और मैंने वाटर को इनलेट किया, मतलब वाटर यहां से इन हो रहा है, वाटर इन हो रहा है, और यहां से मैंने कुछ वाटर आउट किया,
वाटर आउट किया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं जितना वाटर इनलेट कर रहा हूं उतना ही वाटर आउटलेट ले रहा हूं, तो क्या लेबल चेंज होगा क्या वाटर का? वाटर का लेबल चेंज नहीं होगा, मतलब जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पानी आ रहा है और पानी निकल भी रहा है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर लेबल सेम है। तो इसी को हमने क्या कह दिया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब चलता फिरता इक्विलिब्रियम। यहां पर देखिए ये बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहां पर वाटर का लेबल चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है, कंटिन्यूअसली पानी आउट हो रहा है। इसको हमने क्या कह दिया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आप इसको समझना कि मैं यहां पर इस प्रोसेस को, जो पानी जो अंदर आ रहा है, इसको मैं कह देता हूं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे का प्रोसेस, मतलब ये जहां से चल रहा है और इसके जस्ट, मतलब वाटर इन हो रहा है तो फॉरवर्ड कह दिया, और वाटर आउट हो रहा है तो इसको मैंने कह दिया बैकवर्ड। तो क्या कह सकते हैं कि फॉरवर्ड एक प्रोसेस हो रहा है, फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है और एक बैकवर्ड प्रोसेस हो रहा है। यदि मैं कहता हूं कि फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस का स्पीड सेम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, और इसी को मैंने क्या कह दिया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको डायनेमिक का मतलब समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में ही सीधा सीधा लिखा हुआ है गतिक प्रकृति। तो अब हम समझ लेते हैं कि आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों डायनेमिक नेचर का है। तो इसके लिए तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझना सीखना होगा, लेकिन मैं अभी सरल शब्दों में थोड़ा सा बोल देता हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आई। डिटेल मैं इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। सपोज आपके पास में दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और दो प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद सी और डी भी आपस में रिएक्शन करके ए और बी बना लें, मतलब यहां से हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन और यहां से हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड प्रोसेस। सी से डी, सी डी आपस में रिएक्शन करके बैकवर्ड चले गए। ठीक है, तो यदि ये दोनों रिएक्शन का रेट सेम हो, अभी रिएक्शन का रेट क्या होता है ये भी बताने वाला हूं, यदि रिएक्शन का रेट सेम हो तो रिएक्शन को हम कहने वाले हैं इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पर रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, जो ए बी है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को ऐसा है कि अभी हम और डिटेल में समझेंगे, नथिंग टू वरी। तो आप कभी केवल अभी तक इतने देर में आप केवल ये जान लिए हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके लिए तो आप वेट करो, वॉच करो, बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। तो पहले ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़े सुनते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, और आप अपना ACF का सिलेबस भी देखिएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन उसमें एक सिलेबस में दिया हुआ है दो टाइप। कौन कौन सा दो टाइप देखिएगा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक लिखा हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी, लेकिन आप पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इसको समझ लो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में इरिवर्सिबल रिएक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन ये हो गया कि वो रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन पे चलता है, मतलब आपका सपोज रिएक्शन ए से बी हो रहा है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है ये धीरे 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 क्या होगा, कम होता जाएगा। शुरुआत में तो एक ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी और उसका धीरे धीरे खपत होने लगेगा, वो कम होने लगेगा, और जो प्रोडक्ट है बी, यहां पर प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, बढ़ेगा, क्लियर हो रहा है क्या? तो ऐसे रिएक्शन को हम
इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें केवल रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसे हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा है। तो कौन कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकते हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सुनो ध्यान से, फर्स्ट मैं या ए कह देता हूं, मैं कह देता हूं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, या ऐसा कह देते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होगा वो हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। याद रख लें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे आपको मैं एग्जांपल बोल देता हूं, मेरे पास में एक HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैंने लिख दिया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NaCl बनाएंगे और H2O बना लेंगे। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, ये तो पता ही होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हाँ, बट अब आप यहां पर सोचना, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में मैंने बता रखा है अपने एसिड बेस वाले टॉपिक पे, आप जरूर उसे देख रखे होंगे। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी एक वीक हो या दोनों वीक हो तब रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये यदि ट्रीट होते हैं तो ये सॉल्ट बनाएंगे, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, और कौन से रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं। तो आप ये याद रखना, जो दहन का रिएक्शन है, कंबशन बोलते हैं इसके हिंदी में, दहन अभिक्रिया। ठीक है, मैं कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोल रहा हूं। तो दहन अभिक्रिया जो भी होगी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सिंपल सा सोचो ना, आपको तो पता ही है दहन का मतलब, केमिस्ट्री में दहन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में तो किसी भी चीज को जलाया जाता है, कंबशन होता है। तो सपोज मैंने कार्बन लिया और उसका कंबशन कर दिया, ऑक्सीजन के साथ में उसको जला दिया, क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। ठीक है, बना लो कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ कुछ हीट भी तो निकलेगा। आप घर में कोयला जलाते हो, उससे खाना बना लेते हो कि नहीं, तो हीट निकल रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, जिसको मैंने दहन बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड हीट के साथ में फिर से कार्बन बना लेगा क्या, कॉमन सेंस है कि नहीं है। तो जो भी दहन का रिएक्शन होगा वो हमेशा किस टाइप का होता है, सॉरी, वो हमेशा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बोलता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप, तो जो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, यदि सॉरी तो जो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है वो हमेशा कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। चलिए एग्जांपल देख रहे थे, मेरे पास में सपोज AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, और इसे मैंने ट्रीट कर दिया किसके साथ में, सपोज HCl के साथ में मैंने ट्रीट कर दिया, तो ये क्या बनना है, ये बनना है AgCl प्लस, ये बनना है AgCl प्लस HNO3। तो क्या मतलब हुआ कि जो AgCl है वो सॉलिड फेस में होता है, AgCl जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये सॉलिड है मतलब ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। वैसे इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है, जो AgCl है, वो HNO3 के साथ में फिर से रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया ना वो देखो आप, बड़ा आनंद आएगा आपको। देखिए ये 2017 ACF का क्वेश्चन है, आपके पास में क्वेश्चन पेपर होगा, आप देख सकते हैं, एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का आपको एग्जांपल बताना है, हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने नहीं बताया है, फिर भी आपको पता ही है। ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है AgNO3 HCl AgCl प्लस HNO3,
यहाँ तो अभी मैंने बता ही दिया ये क्या बनने वाला है, ये तो पीपीटी बना लेगा, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। दूसरा देखो, दूसरा आप देखोगे कि सोडियम जो है वो वाटर के साथ में ट्रीट कर लेता है। आपको पता ही होगा सोडियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ये केवल एक्स्ट्रा बात हो गई, ठीक है। ये वाटर के साथ में ट्रीट करके NaOH बना लिया और हाइड्रोजन निकल गया। ये देखो अप एरो दिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर उड़ गया। तो ये आपस में रिएक्शन कर पाएंगे क्या? हाइड्रोजन तो निकल गया ना, रिएक्शन तो वापस हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखो ये ऑप्शन, अगला ऑप्शन देखो, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NaI PbI2। ये लेड आयोडाइड जो होता है ये होता है एक प्रेसिपिटेट और ये होता है येलो प्रेसिपिटेट। तो ये येलो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, मतलब कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या? नहीं। तो फिर कौन सा हो गया? ये देखो एसिड और बेस, आपको तो पता ही होगा ये एसिटिक एसिड है और ये बेस है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगली बात यहां पर एक ग्राफ के थ्रू भी थोड़ा समझते हैं जी स्टूडेंट्स, तो आपको फील होगा कि एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो ग्राफ एक प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा बहुत आनंद आएगा आपको। ये मैं प्लॉट करता हूं टाइम, मैंने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया है यहां पर। और इस चैप्टर में आप याद रख लेना, कंसंट्रेशन मैं लेने वाला हूं मोल प्रति लीटर में। तो आप खुद सोचो, इरिवर्सिबल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जहां पर रिएक्शन में रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। तो प्रारंभ में देखो मेरा रिएक्शन सपोज ए गिव्स बी है, तो प्रारंभ में ये सबसे ज्यादा होगा, ये तो जीरो होगा, ठीक है। जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, तो रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा। तो यहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ए का होगा और बी कितना होगा? यहां पर जीरो होगा। समझ में आया क्या? अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ बढ़ेगा, ए की क्वांटिटी क्या होती जाएगी? खुद सोचो, कम होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ए कम होगा, मतलब ए का कंसंट्रेशन धीरे 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 गिरेगा 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 गिरेगा, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस पे इधर आगे बढ़ रहा हूं और वाई एक्सिस में नीचे उतर रहा हूं। तो ये ऐसा कुछ आता जाएगा और ये अल्टीमेटली यहां पर आके जीरो के साथ में मिल जाएगा। वैसे ही साथ ही साथ प्रोडक्ट क्या होगा? टाइम बढ़ता जाएगा और प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो एक समय आएगा जब प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा ग्राफ हो गया किसके लिए? इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आपको बता ही दिया कि इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी इसका क्वेश्चन कुछ आ जाए, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? तो मेरे पास में इरिवर्सिबल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन किए और कुछ प्रोडक्ट बना लिए। सपोज सी और डी मेरे पास में प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब कुछ समय के बाद सी और डी फिर से रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे? ए और बी बना लेंगे। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कुछ इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया क्या? अब ध्यान से सुनना, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब यहीं से इक्विलिब्रियम की कहानी भी स्टार्ट होती है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है या इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है? वो एक प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो चलिए इक्विलिब्रियम को थोड़ी देर बाद तो हम समझेंगे, पहले तो रिवर्सिबल आपको समझ में आ गया, जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होता है। अब ध्यान से सुनो, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन
एक प्रकार का क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। समझ में आ गया क्या? लेकिन इक्विलिब्रियम आप कब बोलोगे, जब जब सुनोगे ध्यान से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है क्या, समझ में आया? तो चलो समझा देते हैं, नहीं समझ में आया तो ये रेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रेट के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूं, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस पे रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग से हेडिंग है, डोंट वरी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, चिंता ना करें। बट अभी यहां पर थोड़ा सा सरल शब्दों में जितनी जरूरत पड़ रही उतना हम समझ लेते हैं। रेट को मैं यदि आप सरल शब्दों में बोलूं तो ये एक्चुअली में स्पीड है और कुछ नहीं, ठीक है। रेट का कभी भी आप बात करते हैं तो ये बात कर लेना कि हम टाइम से डील कर रहे हैं। भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कभी भी रेट की बात कर रहे हैं मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से यहां पर क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ रिएक्शन को ही तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कह दिया है या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह दिया है। क्लियर हो रही क्या बात आपको? चलो देखो, तो देखो आप स्पीड, जैसे आप गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं, एक मोटर है आपको फील करना है ना, एक गाड़ी है उसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड का क्या होता है, आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो बोलते हो। तो डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार डिस्टेंस चेंज हो रहा है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कैसे डिफाइन करने वाला हूं, तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसकी क्वांटिटी चेंज होगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी चेंज होगी, और किसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज हो सकती है। देखो ना, मैंने आपको रिएक्शन यहां पर देखो ग्राफ बताया कि नहीं बताया, देखो समय के अनुसार, समय कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो ग्राफ में भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसी को तो हम रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये है कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी चलेगा। मतलब आप इसको समझो, सरल शब्दों में समझो, जिस स्पीड से ए, चलो मैं ए की ही बात करता हूं, है ना, जिस स्पीड से ए खपत होगा उसी स्पीड से बन भी जाएगा। समझ में आया क्या? फिर से बोले, जिस स्पीड से ए कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट है मतलब कंज्यूम हो रहा है, जिस स्पीड से ए कंज्यूम होगा उसी स्पीड से ए बन भी जाएगा, जिस स्पीड से बी कंज्यूम होगा उसी स्पीड से बी बन भी जाएगा। कैसे? तो देखो ना, यदि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बी कंज्यूम हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बी बन रहा है। तो यदि रिएक्टेंट जिस स्पीड से खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, उसी स्पीड से बन भी जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब आप याद कर लो, शुरू में मैंने क्या बताया, टैंक वाला एग्जांपल बताया था कि नहीं, पानी अंदर आ रहा है और पानी निकल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसी प्रकार रिएक्शन में भी रिएक्टेंट जो है ये कंटिन्यूअसली खपत भी हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, और कंटिन्यूअसली बन भी रहे हैं, इसीलिए क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्या बात है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आप इसका कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स वैसे इस टॉपिक में तो खूब सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, फिर भी आप कुछ एग्जांपल्स जो काफी पॉपुलर है याद रखने वाले हो, N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है, याद रख लेना, हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। वैसे ये काफी पॉपुलर रिएक्शन है, SO2+O2 ये होता है SO3। यदि मैं रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करूं तो ये हो गया, मैंने बैलेंस कर लिया। ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टेक्ट प्रोसेस वाला क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस किसी वीडियो में करा रखा हूं, सबका लिंक मैं दे दूंगा, आप सबको देखो आराम से,
और आपको अगला वीडियो केमिकल इक्विलिब्रियम का अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो आपको आपको पूरी बातें मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, आपके ACF का एग्जाम के आते तक सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। अगला एग्जाम्पल देख लो, कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको याद करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। PCl5 है, यदि ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में है, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात देखना है स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से ग्राफ हमने ये वाला प्लॉट किया था किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, उसी प्रकार रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होगा, तो बड़ा आनंद आएगा। इसको देखो ध्यान से, यदि मैं यहां पर प्लॉट करता हूं क्या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड, समझ चुके हो आप, रिएक्शन का स्पीड है केमिस्ट्री में, उसको रेट बोल दिया, और ये है आपका टाइम, ठीक है। तो आप खुद सोचो स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो या स्टार्टिंग में ए और बी है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा रहता है स्टार्टिंग में। अब जब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनके स्पीड में कमी आते जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पर टाइम और स्पीड के बीच में मैं प्लॉट करता हूं, तो स्टार्टिंग में यहां पर मैंने रिएक्टेंट के लिए लिया, रिएक्टेंट का स्पीड धीरे 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 कम होता जाएगा टाइम के अनुसार, ये कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, तो ये किसके लिए है, ये है रिएक्टेंट के लिए, या ये बोल सकते हो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो कौन से रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे, जैसे जैसे रिएक्टेंट का रिएक्टेंट मतलब फॉरवर्ड स्पीड कम होता जाएगा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, मतलब या बोल सकते हो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। देखो फिर नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो, ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और प्रोडक्ट का क्या टेंडेंसी है कि वो तो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट का इस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का स्पीड कितना है, जीरो है, देखो वाई एक्सिस पे हमने जीरो ले लिया, टाइम जीरो तो प्रोडक्ट का रेट जीरो, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट रिएक्ट बनता जाएगा उसके स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। देखो टाइम बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ता जाएगा, एक समय आने के बाद, वो कौन सा समय हो गया, ये इतने समय में आने के बाद यहां पर दोनों का मतलब ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और ये कौन सा है बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का रेट यहां पर क्या हो गया, देखो सेम हो गया कि नहीं, देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का सेम हो गया, अब ये सेम हो गया सेम हो गया सेम हो गया, अब टाइम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिएक्शन का रेट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अब चेंज नहीं होगा। तो इसको मैंने क्या कह दिया है, यहां से मेरा क्या मिल गया, मेरे को इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल गई, टाइम बढ़ता जा रहा है, प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, डायनेमिक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन रिएक्शन के कंसंट्रेशन में चेंज अब नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, अच्छी बात है, चलो समझ में आ गई तो चलो अब अपने आपको जज करो और वीडियो को पॉज करो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, तो चलो पहले तो ऊपर वाला क्वेश्चन बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा, और कमेंट करके जरूर बताना जिन बच्चों ने आंसर बना लिया, ठीक है ठीक है। वीडियो को पॉज करें, बनाए क्वेश्चन को खुद से बनाए, आप अपने आपको जज करो बनता है नहीं बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपके सामने अब दिखा देता हूं, ये दूसरा क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं ए बी सी और डी ऑप्शन। चलिए अब मैम बताते हैं कि क्या होगा इसमें, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। दोनों क्वेश्चन का तो सेम है, मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, बस आप यहां पर देखने वाले हो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, यहां मैंने आर ओ आर लिख दिया है, आर ओ आर लिख दिया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, एफ आर मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए, तो क्लियर कट यहां पर ग्राफ कौन सा होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सी होना चाहिए। ये तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होता है कौन से कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, यहां पर जो प्लॉट किया हुआ ग्राफ है, दिस इज प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। किसका कंसंट्रेशन, तो डेफिनेटली ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है, ये है रिएक्टेंट ये है प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब तो अंडरस्टूड है इतने देर से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहां पर आंसर क्या आया बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, जिन बच्चों ने बना लिया। तो वैसे आंसर होगा यहां पे ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ऑप्शंस करेक्ट है। कैसे करेक्ट हुए, तो देखो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे क्या सेम हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, जैसे मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो जिस रेट से ए और बी कंज्यूम होंगे उसी रेट से ए और बी बन भी जाएंगे। तो क्या ए और बी के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, क्या क्या इसका कंसंट्रेशन समय के अनुसार बदलेगा इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, नहीं ना। कंटेनर याद करो, सबसे पहला एग्जांपल, कंटेनर में पानी का लेवल चेंज हो रहा था क्या, नहीं चेंज हो रहा था ना। तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स, यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगा, चेंज होता जाएगा होता जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तब तक चेंज होगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना के रखा है, थोड़ा रफ हैंड से बनाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ये देखो कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अलग अलग हो, लेकिन जो भी है वो फिक्स रहेगा। मतलब ऐसा आप बोल दो, देखो ध्यान से सुन लो, हो सकता है रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रहे इक्विलिब्रियम के बाद, हो सकता है बी का कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर रहे इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, लेकिन ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, लेकिन समय के अनुसार इनकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इस आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, जो मैं अभी कराने वाला हूं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा थ्योरेटिकल बात है, बट ठीक है, आपको दो क्वेश्चन चाहिए तो इतना आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। डायनेमिक नेचर का होता है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा आप देखो, इक्विलिब्रियम कैन अचीव आइदर साइड, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सपोज एग्जांपल देखो, मैंने N2 और 3H2 लिया और ये क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया, NH3 बना लिया, तो ये इक्विलिब्रियम में है। आइदर साइड से अचीव हुआ मतलब देखना समझना, ये रिएक्टेंट लिया ये प्रोडक्ट लिया, अब किसी ने ऐसा लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है, 2NH3 गिब्स N2 प्लस 3H2, मतलब मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसा बोल दिया इस रिएक्शन के लिए, या इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो गया ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब किसी भी डायरेक्शन से मैं इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। तो इसका मीनिंग क्या है, आप इसको समझना, थोड़ा सा ये समझ में कम आता है लेकिन मैं आपको इसका लॉजिक समझा दूंगा तो आप पूरे अच्छे से समझ में आ जाओगे। इक्विलिब्रियम, थोड़ा सेंटेंस उल्टा सीधा लिखा है बट आप कोई मतलब नहीं है, आपको केवल बातें सुन लो। इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, रिलेटिव कंसंट्रेशन
एट इक्विलिब्रियम। तो चलो एक एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, मेरे पास में सपोज N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है, ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम पे ये है सपोज 1 मोल, इक्विलिब्रियम पे ये है 1 मोल, ये है 0.5 मोल और ये है सपोज 2 मोल, ठीक है, ये कौन से कंडीशन पे है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है। अब आप कंटेनर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में शुरू में 100 मोल ले लो N2 के, 100 मोल ले लो N2 के और 200 मोल ले लो H2 के, ठीक है, ये ले लिया। इक्विलिब्रियम तभी रिच होगा जब N2 और, जैसे यहां पे बोलता हूं, N2 और अमोनिया के बीच में मोल्स का रेशियो कितना आ जाए, 1:2 का आ जाए, या N2 और H2 के बीच में इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब ये 1:0.5 का रेशियो अटेन कर ले, ये जो भी है, बात समझ में आ रही है क्या, फिर से बोलूं, देखो फिर से बोलता हूं दूसरा एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल समझ में आ गया तो दूसरा एग्जांपल सुनो। सपोज मैंने, मेरे पास में ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में ये क्वांटिटी अचीव होती है, मतलब ये रेशियो हमेशा मेंटेन होगा, आप इनिशियली कुछ भी ले लो, किसी बच्चे ने इनिशियली आपने 1000 मोल्स ले लिया N2 के और सपोज 500 मोल्स ले लिया H2 के, इक्विलिब्रियम तभी रिच होगा जब N2 और H2 के बीच में क्या रेशियो आ जाए, 1:0.5 का अनुपात आ जाए, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, इनका रिलेटिव कंसंट्रेशन, मतलब रिलेट किया एक दूसरे से, रिलेटिव कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा और ये प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, IITs में खूब पूछ लेते हैं, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता रिलेटिव कंसंट्रेशन पे, मतलब जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये चार बातें सेम होती हैं, बहुत ही सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, कलर सेम होगा, ये ध्यान रखोगे एट गिवन टेम्परेचर पे, कैसे, तो खुद सोचो ना तुम, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, बैलेंस हो गया, हर चीज सेम हो गई, अब कुछ चेंज नहीं होगा जब तक तुम टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे, टेम्परेचर चेंज होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यदि टेम्परेचर सेम है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना भाई, उसमें तो कोई ना प्रोडक्ट चेंज हो रहा है ना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, कलर चेंज होगा क्या सॉल्यूशन का, नहीं होगा, क्यों होगा भाई, सारी चीजें तो सेम हो गई हैं, ठीक है। तो एक दो बार ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं IITs वगैरह में, और आप ACF के लिए भी कोई ऐसा नहीं है, वो सीधे नीट के IIT के क्वेश्चन सीधे उठाते हैं वो लोग, ठीक है। नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी पे बेस्ड 2017 पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम अटेन ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर, इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें होगा, क्लोज्ड कंटेनर में होगा, खुद सोचो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, ठीक है, ये किसमें ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यदि ये जो ये रिएक्शन है, यदि मैं किसी ओपन कंटेनर में कराता हूं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा भाई, इनको आपस में रिएक्शन करने के लिए तो कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, और कॉन्टेक्ट में कब आ सकते हैं, जब कंटेनर हो क्लोज्ड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहां होने वाला है, क्लोज्ड कंटेनर में होने वाला है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 कब पूछा है, आप देख सकते हैं ACF 2017 में, ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CO3, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज स्पॉट, करेक्ट है, इट इज अ इरिवर्सिबल इन ओपन पॉट, ये भी करेक्ट है, ओपन पॉट में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा, तो बोथ A and B आर करेक्ट, ये आंसर होना चाहिए, रिएक्शन इक्वेशन इज रॉन्ग, गलत हो गया, नन ऑफ दिस गलत हो गया। तो चीजें आपको समझ में आ रही है क्या, आप पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल है। अगला आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेलिस्ट तो आपको पता ही होगा कि ये कैटेलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है,
कैटलिस्ट इनहेंस बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट एक्चुअली में उसके रेट को बढ़ा देता है. इट हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम अर्लियर. क्या मतलब है, इसको ग्राफ से समझ लो आप, तो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये ग्राफ बताया था आपको, अब ये दोबारा से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्लॉट कर देता हूं जल्दी से. ये इक्विलिब्रियम है, किसके बीच में ये प्लॉट किया मैंने, ये मैंने लिखा टाइम और यहां पर लिखा है आर ओ आर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन. डेफिनेटली ऊपर वाला फॉरवर्ड और नीचे वाला बैकवर्ड. तो इक्विलिब्रियम कितने समय पे रीच हुआ, इतने समय पे रीच हुआ. सपोज ये टी टू टाइम है, ठीक है, टी टू टाइम पे रीच हुआ. ये टाइम है ना, तो इधर ये जीरो है, इधर आते बढ़ते 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 समय बढ़ रहा है. अब ये वाला जो ग्राफ है ये है एक्चुअली में विदाउट कैटेलिस्ट. आर यू गेटिंग द टाइम, गेटिंग द टर्म, विदाउट कैटेलिस्ट है. अब इसी रिएक्शन में इसी टेम्परेचर पे तुम कैटेलिस्ट ऐड कर दो, क्या होगा, क्या होगा, ये जो रिएक्शन है रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो जाएगा. फास्ट हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा. स्पीड फास्ट हो गया मतलब इक्विलिब्रियम यहां अटेन हो गया, तो अब आप यहां पर T1, तो यदि रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी हो जाएगा. मतलब आपको दिख रहा है T2 इज ग्रेटर देन T1. तो ये वाला जो प्लॉटेड ग्राफ है, तब इक्विलिब्रियम आपको जल्दी मिल गया, समय कम लगा, ये कब पॉसिबल है, ये है विथ कैटलिस्ट. ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक यू.